नास नाटा है यहाँ। टेम बोना, जल्दी से जल्दी सनसिटी चलो ताकि ये प्लैटिनम के कॉइन से भरा ट्रक हम सही सलामत मिस्टर एंड्रे तक पहुंचा सके। आखिर ये उनकी प्रॉपर्टी है ना। डोंट वरी मेयर, हमको गार्ड करने के लिए जासूस झटपट भी है। जो बच्चा सॉलिड मस्ती करे उसे नटखट कहते हैं और जो हर किसी को प्रोटेक्शन दे उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड पे नोट कर लेता हूँ। गेम ऑन। अब पीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम तो डाउनलोड करें गेम गूगल प्ले पर उपलब्ध। अयो मेयर जी, हमको एक बात समझ में नहीं आता जी कि मिस्टर आंद्रे हमारे सन सिटी के सबसे रिच लोगों में से एक है, तो फिर वो इतना प्लैटिनम कॉइंस का क्या करेगा जी। प्लैटिनम बहुत महंगा होता है और रेयर भी, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी के प्रॉफिट से बहुत सारी प्लैटिनम की चीजें खरीद ली हैं, जैसे प्लैटिनम से बने स्टैचूज वगैरह। अभी आखिरी डिलीवरी प्लैटिनम के कॉइन्स की है जो हमें सही सलामत मिस्टर एंड्रे तक पहुंचानी है। R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक हो रही है। टेंशन में भूख लग गई, कुछ खा लेता हूँ। वन वर्ड में कहूँ तो खतरा। हाँ, R7 उस डायरेक्शन की ओर इशारा कर रही है। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, जल्दी से उस डायरेक्शन में चलो, वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। ओके बड़ी कीको। ईश मम्मी, ये आइस का ब्रिज कहाँ से आ गया? टेम्पो ना ब्रेक। अम्मा, इतना स्लिपरी आइस पे ब्रेक भी नहीं लग रहा जी। Yeah.
अयो अयो, ये तुम क्या किया? पूरा रोड पे कुल्फी जमा दिया, हटो नहीं तो। अब तक तो रोज की कुल्फी जमाई है, अब तुम्हारी कुल्फी जमाऊंगा। आइस आइस है, वेरी नाइस, प्लैटिनम चुराना, आइस इज स्पाइसी की चॉइस। वो देखो, कोई उस ट्रक को लूट रहा है, जल्दी चलो। ए पिते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइसी स्पाइसी की शाही गाड़ी के सामने अपनी एक खटारा खड़ी करने की? Excuse me, sir. आप इस तरह जो ट्रक को लूट रहे हैं वो बहुत रॉन्ग है। आप प्लीज ये सारे कॉइन्स वापस करके राइट काम कीजिए। अच्छा, वापस कर दूं? ठीक है, तो ये लो, ये रहा कॉइन, जाके अपने दोस्तों के साथ टॉफी खा लेना। चोरी करने वालों का मुंह काला ही होता है। हंसो और हंसो। हाँ, सुपर स्पीडो, तुम्हें भी फ्रीज कर दिया आइसी स्पाइसी ने। हाँ, इनकी खत्म हुई है पारी, फ्रीज होने की अब तुम्हारी है पारी। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 47 लगा के तुम्हें साइज से बाहर निकलो, तब तक मैं उस आइसी स्पाइसी का पीछा करता हूँ। ओके किको। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 47। अपनी अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस से पहले अपने ऊपर की बर्फ को पिघलाऊंगा, फिर बाकियों को बचाऊंगा। ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसे रोकने के लिए दीवार बनानी ही पड़ेगी। आइस आइस है, वेरी नाइस, प्लैटिनम चुराना, आइस इज स्पाइसी की चॉइस। मेरी दीवारें तो तोड़ दी, पर अब देखते हैं कि मेरी भूल भुलैया से कैसे निकलोगे। बड़ी दीवार तो मेरी किक से नहीं टूटने वाली, कुछ और आइडिया लगाना पड़ेगा। और वैसे भी जहाँ ट्रिक चल जाए वहाँ किक की क्या जरूरत। इस भूल भुलैया से निकलने का ये सही तरीका है। जमाना है आइसी स्पाइसी की ख्वाहिश। डोंट वरी किको, मैं अभी अपनी अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस से तुम्हारी बर्फ को पिघला दूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हे बड़ी किको, आर यू ओके? थैंक यू सुपर स्पीडो, मैं तो ठीक हूँ, पर हमारे फ्रेंड्स? मैंने सबको आइस से आजाद कर दिया है। गुड जॉब सुपर स्पीडो, अब एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 138 लगा के आइसी स्पाइसी का पीछा करो। ग्रेट आइडिया किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 138।
अब मेरी इन अल्ट्रा हीटेड यूवी रेस की मदद से आइसी स्पाइसी की आइस का मुझ पे कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कोई गर्म कवरिंग लगा रखी है, तभी मेरी आइस तुरंत मेल्ट हो जा रही है। पर कोई बात नहीं, तुम लोगों से निपटने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। अब देखो मेरा वार, घूमते रह जाओगे शुक्रवार, शनिवार, रविवार। स्पीडो, ब्रेक सप्लाई करो। आइस आइस है, वेरी नाइस। प्लैटिनम चुराना, आइस इज स्पाइसी की चॉइस। किको, जल्दी से इसमें से निकलने का कोई आइडिया सोचो, वरना हम लोग इस लूप में घूमते ही रहेंगे। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 68। वाह किको, क्या दिमाग लगाया है। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 68। पर वो आइसी स्पाइसी तो ना जाने कहां भाग गया। डोंट वरी किको, आई एम श्योर हम जल्दी ही उसे ढूंढ निकालेंगे। आइसी स्पाइसी को हराना है एक वर्ड में, मुश्किल। मुश्किल से भी बहुत बड़ी वाली मुश्किल। मुझसे याद आया, मशरूम खा लेता हूँ, बड़ी भूख लगी है। अरे कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है, पता है एक बार मैंने ऐसे ही एक बर्फ जमाने वाले की ऐसी कुल्फी जमाई थी कि तब से वो गली गली कुल्फी बेचता है, कुल्फी। सच में मेयर अंकल? और नहीं तो क्या, जो मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पर कुल्फी की बारिश हो जाए। ठंडी ठंडी है। मतलब पक्का झूठ बोला था, लेकिन चलो कम से कम इस झूठ से मेरा फायदा तो हुआ। शीशे के शीशी में रखे नमक ने बर्फ की मलाई लपेट। मतलब सर कह रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि आइसी स्पाइसी मिस्टर एंड्रे का बाकी का प्लैटिनम लूटने जरूर आएगा। ईश मम्मी, क्योंकि उन प्लैटिनम की चीजों की सेफ्टी की जिम्मेदारी मिस्टर एंड्रे ने मुझे दी थी, अब क्या होगा। मम्मी बचाओ। आप टेंशन मत लीजिए अंकल, टोनी के मुक्के के आगे बड़े बड़े आइसी स्पाइसी फ्रीज हो चुके हैं। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। जैसे बच्चे कटी पतंग को भी लपेटते हैं, वैसे ही टोनी बॉस कुछ भी फेंकते हैं। टोनी का मुक्का। हमें जाके एंड्रे अंकल से मिलना चाहिए, ताकि आइसी स्पाइसी अंकल के अगले हमले को हम रोक सके। उरी मुरी मदर, ये घर है या महल, कुछ खा लेता हूँ। एंड्रे अंकल जो है उसे दो वर्ड में कहते हैं सुपर रिच। उरी मुरी मदर, इतने सारे मेडल। एंड्रे अंकल अपने टाइम के चैंपियन शूटर थे, ये सब प्राइजेस उन्होंने शूटिंग कंपटीशन में जीते हैं। ये लीजिए मिस्टर एंड्रे, इंश्योरेंस पेपर्स पे साइन कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ तक इंश्योरेंस के पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सॉरी एंड्रे अंकल, मैं आपके प्लैटिनम कॉइंस को बचा नहीं पाया। इट्स ओके किको, मैंने सुना है कि लुटेरा बहुत ही खतरनाक था, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ अंकल। मैंने सुना कि आपके पास प्लैटिनम की ढेर सारी स्टैचूज भी है। हाँ है ना, ढेर सारी स्टैचूज हैं, मेरी कंपनी के सेफ लॉकर में रखी हैं। पर मुझे डर है कि जैसे उस लुटेरे ने मेरे सारे के सारे प्लैटिनम कॉइंस लूट लिए थे, वैसे ही कोई मेरे प्लैटिनम स्टैचूज भी ना लूट ले। पता है किको,
मेरे पास इतने सारे प्लैटिनम कॉइंस थे, पर अब एक भी नहीं बचा। वो आईसी स्पाइसी सब लूट के ले गया। वैसे मिस्टर एंड्रे, असली नुकसान तो हमारी इंश्योरेंस कंपनी का हुआ है। हाँ, वो कैसे? मिस्टर एंड्रे ने अपनी सारी प्लैटिनम प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा रखा है। हमारी इंश्योरेंस कंपनी को उसका नुकसान भरना पड़ता है। अब कहीं अगर वो प्लैटिनम के स्टैचूज भी चोरी हो गए तो हमारी कंपनी का दिवाला ही निकल जाएगा। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। आईसी स्पाइसी, एक हवाई सफर हो जाए। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 60। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 60। बहुत हो गई उठा पटक, अब तुम्हारी इस बेवकूफी की सजा पूरे सन सिटी को भुगतनी पड़ेगी। सुपर स्पीडो, मेरे दोस्तों को डीफ्रीज करते हुए चलो। अयो, आइस पे मेरे टायर्स फिसल रहे हैं। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 147। ओके, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 147। इसको पिघला रही है और हम भी अंदर धंसते चले जा रहे हैं। यूवी रेज को बंद करो। स्विचिंग ऑफ यूवी रेज मोड। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 169। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 169। लगता है बिना मार खाए ये सुपर स्पीडो नहीं मानने वाला। को आइस के ये भारी मुक्के काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं मेरे सिस्टम को। ऐसे ही चलता रहा तो अगले 2-4 मुक्कों में मेरा सिस्टम टाइट फिश हो जाएगा। ठीक है सुपर स्पीडो, आइसी स्पाइसी के वैगन से जुड़ी टेंटिकल काट दो और फॉर्मूला नंबर 275 लगाओ। अब देखते हैं आइसी स्पाइसी इस आग के सर्कल से कैसे निकलता है। लगता है मेरी ऊँग की कटाई मा ही गया है। आ, 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 आ,
आप लोगों को पता है ये आईसी स्पाइसी एक्चुअली में कौन है? आईसी स्पाइसी और कोई नहीं बल्कि आंद्रे है, जो कि खुद ही अपना प्लैटिनम लूट रहा था। सिक्कों की खनखन से पायल की छनछन को हटाने का वक्त आ गया है। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। पर एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें कब और कैसे पता चला कि मिस्टर एंड्रे ही आईसी स्पाइसी है? जिस दिन मैं एंड्रे को मिलने उसके घर गया था, मुझे पता चला कि वो अपने टाइम का बेस्ट शूटर रह चुका है। उसकी जीती हुई काफी ट्रॉफीज और मेडल्स देखे मैंने। आईसी स्पाइसी का निशाना भी बड़ा अच्छा था। फिर जब मैंने देखा कि एंड्रे भी लेफ्ट हैंड से ही काम करता है और आईसी स्पाइसी भी लेफ्ट हैंड से ही आइस गन चला रहा था, तब मुझे उस पे शक होने लगा, क्योंकि इतनी सारी प्लैटिनम की चोरी हो जाने के बाद भी वो आराम से बैठा हुआ था। लेकिन मेरा शक उस समय यकीन में बदल गया जब मुझे एंड्रे की जेब से गिरा हुआ ये कॉइन मिला। एंड्रे ने बताया था कि लुटेरा सारे कॉइन्स लूट के ले गया है, तो फिर उसके पास ये कॉइन कहाँ से आया? उसके बाद मैंने और सुपर स्पीडो ने उस पर नजर रखनी शुरू की और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अयो, मगर वो मिस्टर एंड्रे आईसी स्पाइसी बनके खुद अपना प्लैटिनम खाई को लूटेगा जी, ताकि चोरी हो जाने के बाद उसे प्लैटिनम के बदले इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाए। मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अरे वाह, आम आम सुन के भूख लग गई। एक मैंगो कैंडी खा लेता हूँ।